स्लाइड लगने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा हो जाएगा, कैसा व्यू आएगा। तो जितने भी ये पीछे पौधे लगे हुए हैं इनके सारी जगह लाइटिंग हो जाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 10:20। तो आज हम बाहर जा रहे हैं गाड़ी लेके मार्केट में, तो कुछ सामान लेके आना है। तो चलिए आपको मिलते हैं गाड़ी में, फिर बातचीत करते हैं आपका। ओके, तो दोस्तों हम आज जा रहे हैं मार्केट में। मार्केट में मेरे 3-4 काम है। एक तो हमारी जो LED है वो खराब हो गई थी, वो ठीक करवा के लानी है, तो उसके लिए जा रहे हम। और हमें कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी लेके आनी है। उसके बाद हमें रिलायंस फ्रेश में भी जाना है, क्योंकि घर का सामान थोड़ा ख़त्म हो गया, तो वो घर का सामान भी लेके आएंगे रिलायंस फ्रेश से। तो फिलहाल अभी तो हम SBI के ATM में जा रहे हैं, यहाँ से पैसे निकलवा के लाएंगे थोड़े बहुत, फिर उसके बाद हम मार्केट में चलेंगे। तो भैया आगे, अब हम चलते हैं मार्केट की साइड। फिर मार्केट में जाके पहले तो हम अपनी LED ठीक करवाएंगे। उसके बाद जो हमने ऊपर कल गार्डन सेट किया था, उसके लिए हम कुछ लाइटें वगैरह भी देखने जाएंगे। अगर हमें लाइटें पसंद आ जाती हैं तो हम लाइटें भी लेके आएंगे गार्डन के लिए, जिससे कि गार्डन का अच्छा व्यू आए। जो हमारे प्लांट है उन पे लाइट पड़ने के बाद उनका और अच्छा व्यू आए। तो हम ये नागोई मार्केट पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से हम पहले अपनी LED ठीक करवा लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करके लाएंगे रिलायंस फ्रेश से। आप देख सकते हो हम रिलायंस फ्रेश आ चुके हैं। हम अपनी LED वहीं पे दिया है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ठीक होने में। तो वो भैया बोले कि यहीं पे रख जाओ, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा ठीक होने के बाद। तो अब हम रिलायंस में आ गए हैं, रिलायंस फ्रेश में आ चुके हैं, और यहाँ से हम कुछ सामान ले रहे हैं जो हमें घर के लिए चाहिए, और बाकी कुछ नमकीन बिस्कुट वगैरह वो भी ले रहे हैं। फिर सारा सामान लेके हम आगे जाएंगे लाइटिंग वाली शॉप पे, लाइट वगैरह चेक करके आएंगे। उसके बाद हमें अब हम इसका बिल कटवा लेते हैं, जितने भी हमने सामान लिया है बिलिंग काउंटर पे। बिल कटवा के फिर हम आगे एक जैपनीज स्टोर है उस पे चलेंगे, आँखों के लिए पट्टी वगैरह अच्छी मिलती है वहाँ पे, और काफ़ी सामान मिलता है काफ़ी बढ़िया बढ़िया, तो उससे भी सामान लेके आएंगे हम। मिनी शू नाम करके काफ़ी अच्छा स्टोर है वो भी, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हम बिल कटवा लेते हैं सामान का सारा। तो हमने बिल कटवा लिया है अपना, पेमेंट भी कर दिया है, अब सामान डाल के चलते हैं अगले स्टोर पे। तो गाड़ी लेके हम चल पड़े हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे सैनी स्वीट्स पे, कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेके आएंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो ये हमारा हिसार है, काफ़ी अच्छी सिटी है, काफ़ी मज़े भी आते हैं यहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं सैनी स्वीट्स की शॉप पे, और मिठाइयाँ भी ले ली हमने, और मिठाइयाँ लेके हम चलते हैं अब अपना अगला काम करते हैं। वहाँ से भी सामान लेके फिर हम चलेंगे अपने घर की साइड। तो ये हमने मिठाइयाँ रख दी गाड़ी में, और गाड़ी लेके हम चल पड़े। और ये अर्बन इस्टेट की साइड है ये जो मार्केट है, और यहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह भी हैं। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में कितने शोरूम हैं। और ये हमने मिनी शू के स्टोर से सामान ले लिया, और हम चल पड़े हैं अब सामान लेके अपना घर की साइड। अब हमारे सारे काम हो गए, अब कोई काम बचा नहीं है, तो घर पे चलते हैं। घर पे चल के फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने जो लाइट वगैरह ली हैं, और भी जो सामान लिया है, वो क्या क्या लिया है और कैसी लाइट ली हैं, तो वो सब मैं आपको घर पे चल के दिखाऊंगा। तो ये हम घर की साइड चल रहे हैं, तो अब आपको हम मिलते हैं सीधा घर पे जाने के बाद। ओके,
फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मार्केट से, तो मैं कुछ स्पेशल चीज लेके आया हूँ अपने ऊपर गार्डन के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बॉक्स लेके आए हम। इस बॉक्स में क्या है क्या नहीं मैं अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये बॉक्स लेके आए हम, तो अब इसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। यहाँ पे रख देते हैं, क्या चीज लाए हैं इस बॉक्स पे कुछ लिखा नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा, चलिए देखते हैं। ये देख सकते हो हम, ये क्या है, ये हम लेके आए हैं लाइट, और ये लाइट लेके आए हम अपने ऊपर गार्डन के लिए। ये हम 3 लाइट लेके आए हैं, और ये मैं आपको गार्डन में लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसे लगती है कैसे नहीं। इसके साथ ये भी आए, ये स्टैंड इसके यहाँ पे लग जाते हैं, यहाँ पे लग के अगर आप लाइट को ऐसे मिट्टी में गाड़ना चाहो तो मिट्टी में गड़ जाती है, जिससे ये वाली चीज इसकी जो है ये मिट्टी में घुस जाती है, इसके ऊपर लाइट आ जाती है। तो इन लाइटों की हम आपको टेस्टिंग करवा देते हैं। ये देखिए ये 3 लाइट हैं, तो 3 में से तीनों एक जैसी हैं, तो तीनों में से एक लाइट आपको हम टेस्ट करवा देते हैं। तो ये देखिए ये हम बोर्ड में लगा देते हैं, वो ये अभी लाइट चसेगी हमारी। तो ये देखिए लाल कलर की लाइट है, और लाल लाइट आ रही है अभी, हम आपको दिखाते हैं लाइट बंद करके। इसमें काफी कलर्स हैं, तो ये कलर चेंज हो गया इसका एक और, ये आप देख सकते हो बेड पे कैसी लाइट आ रही है इस पे। अभी इसका दूसरा कलर भी आएगा, ये देखिए ये ग्रीन कलर हो गया अब। अब ये देखिए ब्लू कलर हो रहा है, तो काफी अच्छी लाइट है दोस्तों। तो इन लाइटों को हम ऊपर अपने गार्डन में लगाने वाले हैं, जहाँ पे हमने पौधे वगैरह लगा रखे हैं, तो गार्डन हमारा काफी अच्छा लगेगा। अब देखिए कलर ये फिर चेंज कर दिए धीरे धीरे, तो इसमें 3-4 कलर हैं। ये देखिए पिंक हो है, पिंक कलर भी है, फिर रेड भी है, तो काफी अच्छी लगेंगी पौधों पे लगा के। तो मैं आपको पौधों पे लगा के इन्हें दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, या इसी व्लॉग में दिखा दूंगा मैं आपको कि कैसी लाइट लगती है ये गार्डन में। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब अपनी लाइट बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैं 3 लाया हूँ, और तीनों ही सेम ऐसे ही हैं कलर चेंज करने वाली, तो काफी अच्छी लाइट लगती है ये। तो मैं अब आपको मिलता हूँ शाम को गार्डन में लाइटों के साथ। ओके बाय। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, जो हम प्लांट वगैरह लगा रहे थे यहाँ पे और पौधे वगैरह लेके आए थे काफी सारे, तो आप देख सकते हो हमने सारे सेट कर दिए हैं पीछे लाइन में, और यहाँ पे बीच में भी लगा रखे हैं। बीच में जो सबसे बड़ा प्लांट था हमारा, वो हमने बीच में लगाया सेंटर में, ताकि उसकी लुक अच्छी आए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो हमने गार्डन कैसे सेट किया, सारे पौधे एक लाइन में लगा दिए और बाकी बीच में लगा दिए हमने। तो चलिए हम मम्मी जी से पूछते हैं हम कौन कौन से पौधे लेके आए हैं। हेलो मम्मी जी, तो बताओ सबको कि हम कौन कौन से पौधे लेके आए हैं। ये पौधा लेके आए बेटा, ये आलू का पौधा है, बहुत ही अच्छा पौधा है। ये आलू का पौधा है, और ये हमने यहाँ पे लगा रखा है इस गमले में। और उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये किस चीज का है, ये मौसमी का बेटा, ये देखो मौसमी लगे हैं। ये मौसमी का पेड़ है, छोटा सा, छोटा कहाँ है ये, छोटा तो नहीं है, काफी बड़ा है, ये सबसे बड़ा पौधा है हमारे यहाँ पे छत पे। इसके साथ में ये गमला लेके आए, और इसके लगे भी हुए हैं, ये देख सकते हो आप, एक ये लगा हुआ एक यहाँ पे लगे हुए हैं, काफी लगे हुए हैं इसके, 4-5 लगे हुए हैं। तो अगला बताइए मम्मी जी, अगला कौन सा लेके आए थे हम। ये इसको तो आप जानते ही हो, ये लास्ट व्लॉग में था हमारा, चंपा साबिया के साथ, चमेली। ये नींबू का, इसके नींबू भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं काफी सारे, काफी अच्छा पौधा है वो भी। ये किन्नू का, और ये किन्नू का पौधा है, और उसके बाद ये अमरूद का पौधा है, एक ये अंजीर का लेके आई, और एक ये छोटा सा जो है ये अंजीर का, इसके अंजीर लगा हुआ है, ये भी काफी अच्छा पौधा है। और ये हमारे पहले से, ये अनार का देखो इसके कितने फल लगे हैं, ये बाकी अनार है, इसमें मोहनियां लगा रखी हमने, बहुत ही अच्छा गार्डन बना। ये बाकी जितने भी हैं ये पहले के हैं,
तो हमने आपको दिखा दिए कि हम कौन कौन से नए लेके आए हैं। और इसी के साथ हम एक चीज और करने वाले हैं, ये जो हमारा गार्डन है आप देख सकते हो ये पीछे जितना भी है, इसमें हम क्या है लाइटिंग लगाने वाले हैं। लाइट लगाने के बाद काफी अच्छा हो जाएगा ये, तो लाइट लगने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा हो जाएगा, कैसा व्यू आएगा। तो जितने भी ये पीछे पौधे लगे हुए हैं इन पे सारी जगह लाइटिंग हो जाएगी और काफी अच्छा व्यू आएगा। तो आप लोग जरूर हमें बताना कमेंट करके कि कैसी लगी आपको हमारी गार्डन की फोटो पिक वीडियो, और कौन सा पौधा आपको पसंद आया। हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे कि हम कहाँ से लेके आए हैं, उनका नंबर भी आपको बता देंगे। तो अगर आपको और पौधे लेने हो या प्लांट लेने हो तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके, बाय। था कि मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगा क्योंकि लास्ट व्लॉग में हमारा अंधेरा हो गया था, तो इसलिए मैं अपना जो गार्डन था उसमें जो मैंने पौधे लगाए थे वो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया था, तो इसलिए मैं आपको अटके ले ले फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 के करीब टाइम हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अंधेरा हो गया था, उसी टाइम मैं आपको अपना गार्डन आप देख सकते हो, और बाकी जो पौधे हैं वो लास्ट में लगा रखे हैं। तो हमें मम्मी जी बताएंगे कि हम कौन कौन से पौधे लेके आए हैं, कौन से लेके आए हैं और कौन सा पौधा हमने कहाँ पे लगाया है। हेलो मम्मी जी, बताओ सबको कौन कौन से पौधे लेके आए हम। और एक ये पौधा लेके आए हैं बेटा हम, ये आड़ू का पौधा है, ये देख लीजिए, ये हम आड़ू का लेके आए हैं पौधा और यहाँ पे लगा रखा है हमने। ठीक है मम्मी जी, और बताओ। एक ये वाला लेके आए, ये किस चीज का है सबसे जो बड़ा है? ये मौसमी का है। ये मौसमी का है? हाँ, ये देखो मौसमी भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ, देखो इसके मौसमी लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर पौधा है। देखिए ये मौसमी लगा हुआ है इसके, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, साथ में ये इसका गमला भी लेके आए थे। और ये गमला भी लेके आए थे क्योंकि ये बड़ा पौधा था, इतना बड़ा गमला था नहीं हमारे पास, तो हम ये एक बड़ा गमला भी लेके आए थे। और बताइए मम्मी जी, और कौन कौन से पौधे लेके आए हुआ? ये तो आप इसको तो जानते ही होगी, चंपा, ये चंपा का पौधा है बेटा, लास्ट लोग में था। और एक ये लेके आई, ये नींबू का है, ये नींबू का, इसके नींबू लगे हुए हैं आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं इसके, और भी लगे हुए तीन चार लगे हुए हैं, ये भी काफी अच्छा पौधा है। ये पहले से था, ये हम लेके नहीं आए, और ये किन्नू का है, तो हम नींबू का लेके आए हैं, किन्नू का लेके आए हैं, एक अमरूद का भी लेके आए हैं, देखो बेटा ये देखो मौसमी लगे हैं। ये मौसमी का पेड़ है छोटा सा, छोटा कहाँ है, ये छोटा तो नहीं है काफी बड़ा है, ये सबसे बड़ा पौधा है हमारे यहाँ पे छत पे। इसके साथ में ये गमला लेके आए, और इसके लगे भी हुए हैं ये देख सकते हो आप, एक ये लगा हुआ एक यहाँ पे लगे हुए हैं, काफी लगे हुए हैं इसके, चार पांच लगे हुए हैं। तो अगला बताइए मम्मी जी, अगला कौन सा लेके आए थे हम? इसको तो आप जानते ही हो, ये लास्ट व्लॉग में था हमारा, चंपा साबिया के साथ, चमेली, ये नींबू का, इसके नींबू भी लगे हुए हैं ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं काफी सारे, काफी अच्छा पौधा है वो भी। और ये किन्नू का पौधा है, और उसके बाद ये अमरूद का पौधा है, और एक ये छोटा सा जो है ये अंजीर का, इसके अंजीर लगा हुआ है, ये भी काफी अच्छा पौधा है। और ये हमारे पहले से, ये अनार का देखो इसके कितने फल लगे हैं, ये बाकी अनार हैं, इसमें लगा रखी हमने, बहुत ही अच्छा गार्डन बना रखा है। ये बाकी जितने भी हैं ये पहले के हैं, तो हमने आपको दिखा दिए कि हम कौन कौन से नए लेके आए हैं। और इसी के साथ हम एक चीज और करने वाले हैं, जो हमारा गार्डन काफी अच्छा हो जाएगा ये, तो लाइट लगने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा हो जाएगा, कैसा व्यू आएगा। तो जितने भी पीछे पौधे लगे हुए हैं इनके सारी जगह लाइटिंग हो जाएगी और काफी अच्छा व्यू आएगा। तो आप लोग जरूर हमें बताना कमेंट करके कि कैसे लगी आपको हमारी गार्डन की फोटो पिक वीडियो, और कौन सा पौधा आपको पसंद आया। हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे कि हम कहाँ से लेके आए हैं, उनका नंबर भी आपको बता देंगे।
तो अगर आपको और पौधे लेने हो या प्लांट लेने हो तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, बाय।